महिला बाल विकास द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। भिलाई 3 स्थित मंगल भवन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेटे बेटियों के धूमधाम से विवाह के सपनों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना साकार कर रहा है। योजना के तहत शुक्रवार को भिलाई 3 के मंगल भवन में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 8 जोड़े नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए। मंगल भवन में आयोजित विवाह समारोह में चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे व MIC के सदस्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने परिणय सूत्र में बंधे नव जोड़ों को बधाइयां दी और उनके मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने नव दंपतियों को गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी उपहार भी भेंट किए। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया है, इसमें समाज को गढ़ने की भी कल्पना है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने और दहेज जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की तारीफ दिल से की। साथ ही महिला बाल विकास भिलाई परियोजना अधिकारी पद्मजा सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अभिनव पहल महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। सभी जिलों में सभी परियोजना में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह किया जा रहा है। भिलाई परियोजना 2 के अंतर्गत भी आज 8 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो अभिनव पहल है, जो भी गरीब परिवार है जो शादी करने के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने घर परिवार को गिरवी रख के या खेती बाड़ी को बेच के भी विवाह करते हैं, वो जो खेती बाड़ी उनके जीविका उपार्जन के लिए काम आए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ये जो राशि 15,000 रुपये दिया करता था, लेकिन आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 25,000 रुपये की राशि बढ़ा दी है। मैं इस पुनीत काम के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला बाल विकास विभाग के और हमारे DPO और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं नव दाम्पत्य को बहुत शुभकामनाएं, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज परियोजना भिलाई 2 के अंतर्गत 8 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह में मुख्य बात यह कि हम लोग विवाह सामूहिक रूप से करते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ की कोई भी मूल निवासी कन्या जो है उसको आवेदन हमारे विभाग के माध्यम से करती है। उसके उपरांत हम लोग उसके सब प्रकरण को जांच के उपरांत हम लोग शामिल करते हैं इस योजना में, और हमारी टीम एक दिन निश्चय करके सामूहिक विवाह को गायत्री परिवार के माध्यम से आयोजन कराती है उसका सफल। हाँ जी सर, 14,000 रुपये का हम इसमें उपहार सामग्री देते हैं नव दंपति को। इसके अतिरिक्त कन्या को 1,000 की राशि चेक के रूप में दी जाती है। 5,000 रुपये में हम उसको वैवाहिक वस्त्र और श्रृंगार सामग्री देते हैं तथा 5,000 रुपये प्रति जोड़ा उनके विवाह आयोजन पे खर्च हो। सामूहिक विवाह का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा किया गया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी सहित वर वधु के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।